हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एलोवेरा का फेशियल। एलोवेरा का जो फेशियल है हमारे और स्किन टाइप वालों के लिए स्वेटेबल है, और एलोवेरा हमारे स्किन को डीपली रिपेयर करता है और एक्ने और पिंपल्स को रिमूव करता है। आज के फेशियल में जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा। तो आपको सबसे पहले फ्रेश एलोवेरा लेना है। अगर आपका पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट में जो लिक्विड फॉर्म एलोवेरा जेल मिलता है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं एक एक चम्मच करके। मैंने यहाँ फ्रेश एलोवेरा लिया है, उसके बाद उसको साइड से कट करके इसे चार टुकड़ों में करूँगी, क्योंकि जैसे कि इस फेशियल का जो फोर स्टेप होता है उसी तरह मैं चार टुकड़ा करूँगी। आप अगर एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक एक चम्मच करके आप फोर स्टेप में लेंगे। तो मैंने इस तरह कट कर लिया है। अब उसको मैं स्क्रैच करूँगी ताकि जब हम अप्लाई करें तो इसका लिक्विड फॉर्म ईजली निकले। पहला स्टेप होता है क्लिंजर का। तो क्लिंजर के लिए हमें कच्चा दूध लेना है, तो मैंने यहाँ कच्चा दूध लिया है। आप अगर बॉयल ले रहे हैं तो उसे ठंडा कर कर लें, क्योंकि ये क्लिंजर का काम करता है। उसके बाद मैं एक चुटकी हल्दी ले रही हूँ। मैंने टर्मरिक का हल्दी लिया है। आप कभी भी लें तो टर्मरिक हल्दी लें। आप किचन में जो यूज़ होता है खाने में वो बिल्कुल ना लें, वो हमारी स्किन को डैमेज करता है। उसके बाद इसे अच्छे से आप मिला लें, फिर एलोवेरा का एक टुकड़ा लें। अगर आप जेल ले रहे हैं तो एक चम्मच लें और लेकर उसे मिला लें, और अगर टुकड़ा ले रहे हैं तो इस तरह लेकर आप अपने फेस पर क्लिंजर करें। मैंने सबसे पहले फेस वॉश कर लिया था, तो आप फेशियल करने से पहले अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लें, फिर इस तरह आप गोल गोल सर्कुलर मोशन में आप क्लिंजर करें। अगर आपके पास जेल है तो आप फिंगर की मदद से आप हल्के हल्के हाथों से मतलब क्लिंजर करें आप अपने नेक पे अच्छे से। उसके बाद आप धो लें। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप होता है, बेस्ट स्टेप है फेशियल का, वो है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैंने यहाँ 2 रुपये वाला नेस्कैफ का कॉफ़ी पाउडर लिया है। आप चाहो तो कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि एक नेचुरल स्क्रबर होता है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच शहद लिया है, क्योंकि ये स्किन को ब्राइट करता है और मॉइस्चराइज़र का नेचुरल मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। उसके बाद आपको 1 चम्मच चीनी लेना है, क्योंकि चीनी हमेशा स्क्रबिंग का काम करता है और आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट्स होते हैं, उसको ईजिली रिमूव करता है। फिर एलोवेरा जेल के टुकड़े को आपको लेना है और लेकर क्लिंजर के बाद मैंने फेस को धो लिया था। उसके बाद इसको आप अपने फेस पर लेकर स्क्रब करें सर्कुलर मोशन में, क्योंकि जब भी आप स्क्रब करें तो 1 मिनट के लिए ही करें, 1 मिनट से ज़्यादा स्क्रब ना करें। क्योंकि देखिए, आपका ना जो स्क्रब होता है ना, फेशियल का बेस्ट पार्ट होता है, और सेकंड पार्ट में ही आपके चेहरे पे एक निखार सा आने लगता है। मैंने 1 मिनट स्क्रब करने के बाद फेस को धो लिया है। आप देख सकते हैं आपका सेकंड स्टेप में ही आपके स्किन में एक मतलब ग्लो सा आने लगता है, इसलिए स्क्रब फेशियल का बेस्ट स्टेप होता है। उसके बाद तीसरा स्टेप है जेल, मसाज जेल बनाना। तो उसके लिए हम 1 चम्मच शहद ले लिए हैं, और फिर उसका जेल, एक टुकड़ा जो मैंने लिया था एलोवेरा का, उसका मैंने जेल निकाल लिया है, फिर कोकोनट ऑयल इसको मिला दिया है। अगर आप जेल ले रहे हैं तो 1 चम्मच एलोवेरा का जेल लें। मैंने यहाँ फ्रेश एलोवेरा लिया था तो मैंने उसका जेल निकाल लिया था। फिर आप देख सकते हैं ये एक लिक्विड जेल का तरह तैयार हो गया है, मसाज जेल। उसके बाद आप इसको अच्छे से मिला लें, मिलाने के बाद अपने हाथ में ले लें। मैंने स्क्रब करने के बाद फेस को धो लिया था, फिर आप उसे जैसे फेशियल मसाज होते हैं ना, आप स्टेप बाय स्टेप फेशियल मसाज करें इससे, इस जेल से। आप अपने मतलब चीक पर जिस तरह स्टेप बाय स्टेप इस तरह आप अपने हाथों से फेशियल करें ताकि एब्जॉर्ब हो, क्योंकि मसाज बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फेशियल मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फेशियल में। तो आप हल्के हल्के हाथों से स्टेप बाय स्टेप आप मसाज करें, अपने नेक में भी ज़रूर करें। जब भी फेशियल करो तो अपने फेस के साथ अपने नेक में भी आप हर चीज़ अप्लाई करो ताकि आपका इक्वल लगे। उसके बाद अपने फेस को धो लेना है। लास्ट स्टेप है फेस पैक। ये फेस पैक बहुत ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि ये फेस पैक आपकी स्किन को टाइट करता है।
तो मैंने फेस पैक के लिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लिया है, आप चाहो तो चंदन पाउडर या बेसन भी ले सकते हैं। फिर मैंने 2 चम्मच कच्चा दूध लिया है, उसके बाद 1 चम्मच मैंने शहद लिया है, उसके बाद मैंने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल नारियल तेल लिया है। उसके बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद मैंने इसमें जो एलोवेरा जेल है ना, मैंने जेल तो नहीं लिया ना, फ्रेश एलोवेरा लिया है, तो उसका मैं जेल निकाल रही हूँ। अगर आप जेल ले रहे हैं तो फिर 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं, क्योंकि आज के फेशियल में मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है आपका एलोवेरा। इसको आप स्मूथ पेस्ट बना लें अच्छे से मिलाकर, उसके बाद आप अपने चेहरे पर फेस पर अप्लाई करें। मैंने अच्छे से धो लिया था मसाज करने के बाद, फिर अब मैं फिंगर के मदद से मैं फेस पैक को लगा रही हूँ। अगर आप ब्रश से लगा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मैं आज यहाँ अपने फिंगर से ही लगा रही हूँ फेस पैक। फेस पैक ज़रूर लगाएं, क्योंकि फेशियल में फेस पैक जो हमारे स्किन को टाइट करता है और एक ग्लो ला कर देता है, और ये फेशियल नेचुरल है। एलोवेरा फेशियल जो है ना, हमारे स्किन को ना एकदम डीपली रिपेयर करता है ये, और स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। फिर मैं इसे 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दूंगी। 20 मिनट के बाद यहाँ पर देखिए मेरा हल्का हल्का सूख गया है, क्योंकि पसीना ज़्यादा होने के कारण ना मतलब सूख नहीं पाया, बट आपको 20 मिनट ही रखना है। फिर मैंने रोज़ वाटर लिया था, हल्का गीला करके मैं मसाज कर रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल वाटर भी लेकर इसे हल्का गीला करके थोड़ा मसाज कर ले 2 मिनट, फिर आप उसे अच्छे से फेस को धो लें। देखिए मैंने फेस धो लिया है, आप देख सकते हैं एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। फेशियल जो हम पार्लर में करते हैं ना, उससे अच्छा निखार मिलता है हमें घर पर होम फेशियल कर। अगर हम होम रेमेडीज यूज़ करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा लें। अगर आपके पास फेशियल ऑयल है तो आप फेशियल ऑयल भी लगा सकते हैं, ये आपके स्किन को हाइड्रेट रखेगा, क्योंकि फेशियल के बाद आपको कुछ भी नहीं लगाना होता है, आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही लगाएं, या फिर आपके पास फेशियल ऑयल है तो फेशियल ऑयल ज़रूर लगाएं। आप देख सकते हैं स्किन में एक लाइट इवन टोन आ जाता है, आपको खुद से ही बहुत अच्छा महसूस होगा। और हाँ, एलोवेरा जेल का फेशियल ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।